हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट डिजिटेशन एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर द फार्मा एंड लैब साइंस स्टूडेंट जो कि मास्टर्स में पढ़ रहे हैं। CSIR CBRI एक रिनोन इंस्टीट्यूट है इंटर रिसर्च में। यहाँ पे जो मास्टर्स के स्टूडेंट है फार्मा या लाइफ साइंस के, वो अपना प्रोजेक्ट डिजिटेशन कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पर इन्होंने सब्जेक्ट्स एरिया दे रखे हैं, जिस एरिया में वो अपना जिस एरिया में वो ट्रेनिंग करवाते हैं, तो उसमें देख सकते हैं कि फार्मा और लाइफ साइंस के सभी सब्जेक्ट इसमें कवर हो रहे हैं। फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, केमिस्ट्री है, फार्मा केमिस्ट्री है, ड्रग डिलीवरी है, टिश्यू कल्चर है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बायोटेक, लाइफ साइंस और फार्मा के सभी सब्जेक्ट्स में ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम 55% आपके मार्क्स होने चाहिए अप टू द ग्रेजुएशन, और टोटल 200 स्टूडेंट्स ये पर ईयर लेते हैं, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है वो 4 मंथ से 1 ईयर तक है। मीन्स जिस इस मिनिमम 4 मंथ से 1 ईयर तक, आप मैक्सिमम 1 ईयर तक आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। मास्टर का जो रजिस्ट्रेशन पीरियड होता है नॉर्मली 6 ईयर का होता है, 6 मंथ का होता है, तो इसमें ये आपका कवर हो जाएगा। और इसको अप्लाई करने का कोई डेडलाइन नहीं है, थ्रू आउट द ईयर आप अप्लाई कर सकते हो। ये एक अच्छी चीज़ है। तो जो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन है, जब आप ट्रेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म होगी तो उसमें आपको अपना रिसर्च एरिया बताना पड़ेगा, और उस बेसिस पे वो आपको सेलेक्ट करेंगे कि जिस रिसर्च एरिया में आप ट्रेनिंग करना चाहते हो वो वहाँ अवेलेबल है या नहीं है। इसके अलावा आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी देखा जाएगा, और जो फी है इसकी 5000 पर मंथ, जो कि आपको एडवांस में देनी पड़ेगी। अगर आप 6 मंथ की ट्रेनिंग करते हैं तो टोटल 30,000 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। 90% अटेंडेंस कंपलसरी, इसी के बाद आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। जब आप अप्लाई करते हो, अगर हॉस्टल वैकेंट है तो आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस है, उसके लिए उन्होंने एक एनेक्सर दे रखा है, एक एप्लीकेशन फॉर्मेट दे रखा है। इसके अंदर आपको जो लेटर हेड होता है HOD प्रिंसिपल का, उसके ऊपर आपका नाम और एरिया ऑफ ट्रेनिंग, आपका जिस एरिया में आप ट्रेनिंग करना चाहते हो वो आपको बताना पड़ेगा, और उस बेसिस पे वो आपको सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा आपको एडवांस में 5000 रुपीज जो फर्स्ट मंथ की फी है वो भी आपको देनी पड़ेगी। उसके लिए बैंक चालान का फॉर्मेट उन्होंने दे रखा है, तो SBI बैंक के ऊपर जाके आप वो चालान फिल कर सकते हैं, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ में आपको अटैच करना है, आपके डॉक्यूमेंट पे अटैच करना है, और बाय पोस्ट आपको उनके एड्रेस पे भेजना है। जब आपका सिलेक्शन होगा तो वो आपके कॉलेज में बाय पोस्ट आपको इन्फॉर्म करेंगे, और आपकी ईमेल आईडी पे भी आपको मेल करेंगे आपके सिलेक्शन के रिगार्डिंग। तो ये कोर्स कोऑर्डिनेटर का एड्रेस है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है और आप उसको अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उसके साथ में, और जो 5000 रुपीज़ का चालान है वो आपको यहाँ पे भेजना है। और इसके अलावा कोई भी अगर क्वेरीज है तो आप ईमेल आईडी दे रखिए या फोन भी कर सकते हैं, और जो भी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है एप्लीकेशन का। तो जो फार्मा के या लाइफ साइंस के स्टूडेंट है जो अपना रजिस्ट्रेशन CBRI से करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि रिनोन इंस्टीट्यूट से अपना रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करें। CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, ये भी लखनऊ में, और यहाँ पे भी फार्मा या लाइफ साइंस के स्टूडेंट जो है, जो मास्टर में है, अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वेबसाइट पे ट्रेनिंग का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, तो इन्होंने डिसिप्लिन दे रखे हैं कि किस किस डिसिप्लिन में ये ट्रेनिंग करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लाइफ साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, इसके अलावा फार्मा के ये सब्जेक्ट्स इसमें हैं जिसमें आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको ट्रेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा कॉलेज के लेटर हेड पे, और इसके साथ में ही ग्रेजुएशन तक जितने भी मार्क्सिट है वो आपको उसमें अटैच करनी पड़ेगी, और आपके साथ इसी के साथ आपका बायोडाटा भी इसमें अटैच होगा, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बाय पोस्ट वहाँ पे भेजने पड़ेंगे। जो फी है वो 3 मंथ तक अगर आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड है तो 12,000 रुपीज़ प्लस GST है, और अगर 4 से 6 मंथ तक आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो टोटल 24,000 प्लस GST जो फी है वो एप्लीकेबल होगी। और ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप जाके अपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है और जो भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे भेजेंगे। मेल आईडी और फोन नंबर भी दे रखा है, अगर क्वेरीज है तो वो आप वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं। वेबसाइट का जो भी लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आपका वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आगे भी हम इसी तरह से नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।